नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर दुनिया भर की नजर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कोई चर्चा नहीं हुई। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच पर CAA पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत की बहुलता और धार्मिक विविधता की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों में दी जा रही धार्मिक स्वतंत्रता की तारीफ की है। हर धर्म के लोगों को उन्हें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। जम्मू कश्मीर के सवाल पर हर्ष श्रृंगला ने कहा कि कश्मीर में विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, इसको लेकर सराहना हुई है। पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए दी जा रही मदद पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की है। बता दें आपको कि ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे के साथ अलग अलग जगहों पर 5 घंटे बिताए। सूत्रों के अनुसार डिफेंस के लिए अमेरिका और भारत के बीच बेहतर साझेदारी है। वैश्विक भागीदारी की नज़र से ये काफ़ी अहम है। दोनों देशों के बीच बेहतर भागीदारी भविष्य में देखने को मिलेगी। सुरक्षा के क्षेत्र में हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। SBN 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।